हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रितु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं जो फिटजी से आपकी टीचिंग वैकेंसीज निकली हैं आपकी, उनके बारे में। तो मल्टीपल वैकेंसीज हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके पीजीटी टीजीटी पीआरटी के। तो देख लेते हैं पूरी डिटेल्स। ये है आपका स्केड्यूल, आपका फर्स्ट और सेकेंड स्केड्यूल जो है 2024 की ज्वाइनिंग में है, और उसके बाद 2025 की फर्स्ट फेज़ की ज्वाइनिंग जो है उसकी डिटेल्स पूरी दी हुई है। तो फर्स्ट फेज़ की 2024 में ज्वाइनिंग है, स्केड्यूल वन है आपका। जो लास्ट डेट की बात करें तो 17 सितंबर 2024, और डेट ऑफ रिक्रूटमेंट है आपकी 29 सितंबर 2024। लास्ट डेट 17 सितंबर, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रहेगी आपकी वो 27 अक्टूबर 2024 रहेगी। इसी तरह से 27 अक्टूबर को फिर डेट ऑफ रिक्रूटमेंट है, लास्ट डेट है 15 अक्टूबर, और ज्वाइनिंग रहेगी आपकी 8th of December। और इसी में सेकेंड स्केड्यूल सेकेंड का ए पार्ट है, और फिर बी पार्ट जो है वो है 24 नवंबर 2024 जो है आपका रिक्रूटमेंट के लिए है, और लास्ट डेट 12 नवंबर रहेगी, और ज्वाइनिंग डेट सेम 8 दिसंबर 2024। 2025 में स्केड्यूल वन ए पार्ट जो है वो रिक्रूटमेंट है 19 जनवरी 2025 की, और 7th January जो है लास्ट डेट रहेगी। इसी तरह से 1B का जो है 23rd of February 2025 रिक्रूटमेंट है, और 11th of February जो है आपकी डेट लास्ट डेट रहेगी, और 30 मार्च 2025 को आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। स्केड्यूल ए वन की 2nd March 2025 रहेगी। तो पूरी डिटेल्स देख लेते हैं रिक्रूटमेंट की। आपका रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जो है आपका साइड में दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका एडवर्टीजमेंट HT Shine Jobs में भी एडवर्टाइज हुआ है। तो है आपका 6th to 8th में रिक्वायरमेंट है, सिनर्जेटिक प्रिपरेशन फॉर द फाउंडेशन ऑफ IOQM जूनियर साइंस ओलंपियाड एंड NTSC इन क्लास 6 एंड 7। प्रिपरेशन के लिए चाहिए फॉर IOQM, RMO एंड जूनियर साइंस ओलंपियाड अलॉन्ग विद फर्दर फाउंडेशन प्रिपरेशन ऑफ NTSC इन क्लास 8। सब्जेक्ट्स कौन कौन से ट्रैक करने हैं वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड MAT। टीचर्स जो कैपेबल हैं फॉर गिविंग एक्सेलेंट एंड इम्पैक्टफुल सर्विसेज, सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 18 लाख पर एनम, बट दिस इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। मतलब स्टार्टिंग जो है 18 लाख पर एनुअली जो है आपका पैकेज रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी फिटजी टीचर्स को प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ जो है आपको लोकेशंस जो हैं ऑलमोस्ट 500 लोकेशंस होती हैं इन इंडिया एंड अब्रोड। तो टोटल इतनी सारी वैकेंसीज हो जाती हैं आपकी। अब 9th और 10th की बात करें तो आपके लिए मैथमेटिकल ओलंपियाड, जूनियर साइंस ओलंपियाड, NTSC एंड स्कूल क्लास 10th बोर्ड अलॉन्ग विद फाउंडेशन ऑफ JEE मैथ्स एंड एडवांस एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जाम। सब्जेक्ट ट्रैक्स रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, MAT, सोशल साइंस। इनकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 27 लाख पर एनम से स्टार्ट होने वाली है। इसी तरह से क्लास 11th, 12th और 12th पास, इनमें जो है सब्जेक्ट ट्रैक्स रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और सैलरी स्टार्ट रहेगी आपकी 50 लाख पर एनम, बट दिस इज़ नॉट अगेन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। अब फिटजी स्कूल्स के लिए PGT, TGT, PRT की रिक्वायरमेंट है, और साथ में आपके KGT मदर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको मिलता है 7th pay commission, एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में आपको मिल रही हैं फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश की जो है वैकेंसीज निकली है। फिटजी मेडिकल में वैकेंसीज निकली हैं आपकी। ओपनिंग जो है एग्जिस्ट फॉर द फाउंडिंग फैकल्टी एंड बिजनेस टीम्स, प्लीज़ राइट इन कॉन्फिडेंस एट fitzimedical@fitzi.com। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी जो है आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस के लिए हैं, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस के लिए पढ़ा सकें, और फ्रेशर्स जो हैं वो भी वेलकम्ड हैं। तो एलिजिबल हैं सारे कैंडिडेट्स, जो आपको एक्सपीरियंस है तो भी, और आप फ्रेशर हैं तो भी। ये हैं आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिक्वायरमेंट। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। कल्चर्ड होना चाहिए, अडेप्ट टू चेंज क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एंड एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सारा होता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है आपका, उसमें सबसे पहले रिटन सब्जेक्ट टेस्ट होता है, उसके बाद एक एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट होता है, फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ग्रुप डिस्कशन के लिए ले जाया जाता है, मॉडल लेक्चर करना पड़ता है, एंड इन पर्सन इंटरव्यू होता है टू गॉज द एंटरप्रेन्योर माइंड सेट। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाता है जब तो आपका इंटरव्यू होता है। तो उस दिन पहले टेस्ट लिया जाएगा, फिर शॉर्टलिस्टेड को रोका जाएगा, फिर उनका एबिलिटी टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका GD और मॉडल लेक्चर जो है ये सब कुछ कंडक्ट किया जाता है।
नेक्स्ट जो है आपका ये स्केड्यूल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये है टीचिंग ट्रैक के लिए हम जो है 6th to 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and 12th पास। रिक्रूटमेंट लोकेशन जो आपकी रहने वाली हैं वो है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और स्केड्यूल जो है ये दे दिया गया है आपको। तो अभी के लिए वैकेंसी जो है दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के लिए हैं। प्लेस ऑफ वर्क जो है, पोजीशन जो है एग्जिस्ट करती है ओवर 500 लोकेशंस नाउ एंड इन द नियर फ्यूचर इन इंडिया एंड अब्रॉड। फॉर डिटेल्स वी मस्ट विजिट fitzhr.com। ट्रेनिंग जो है सिलेक्टेड फैकल्टी को ट्रेनिंग दी जाएगी दिल्ली में आफ्टर ज्वाइनिंग एंड हाउएवर ट्रेनिंग कैन हैपन एट एनी फिटजी सेंटर लोकेशन। किसी भी सेंटर पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है। तो ज्वाइनिंग से पहले आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छा स्टार्ट आपको मिलता है, ऑल दो बाकी स्कूल्स में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप एज अ कोच ट्रेनिंग कोच के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और 6th to 8th के लिए स्कूल्स में भी आप बाकी लाइक प्राइमरी, पीजीटी, टीजीटी और सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करना, तो सब लोगों के साथ शेयर करना ताकि कोई भी बच्चा है एटलीस्ट फ्रेशर जो हैं अगर नहीं भी होता है तो नॉट एन इशू, कम से कम इंटरव्यू फेस करना ज़रूर आना चाहिए। तो फिटजी जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सभी कैंडिडेट्स के लिए, तो सब इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड थैंक यू एवरीवन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।